हर फील्ड नजर आ रही है बच्चों आपको? यस सर। चलो आप देखेंगे इसमें क्या करना है आपको। पहले वाले क्वेश्चन में एक कॉपी में एक फूल बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। कोई भी फूल जो आप लोगों को मनपसंद का फूल है वो फूल आप लोग बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या अपनी कॉपी में दिए गए चित्रों को बनाए और उसमें रंग भरे। ये देखो इसमें हमें गिनती सीखनी है। इसमें गिनती में क्या सीखना है कि थोड़ी देर रुकेंगे बच्चे, थोड़ी देर रुक जाओ। मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ साथ के साथ और स्कूल का काम भी कर रहा हूँ, अभी कराता हूँ बेटा। क्लास कर चलेगी, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ बच्चों दोबारा आपको नजर आ रही है? अब मैं कंप्लीट करा दूंगा क्लास आपकी। ये नजर आ रही है सभी बच्चों को स्क्रीन? वेरी गुड। इसमें क्या है, दोबारा से करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। सभी बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक फूल बनाना है। कोई भी फूल बना सकते हो आप। कोशिश करेंगे कि हम चंद्रमुखी का फूल बनाए या फिर सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, सनफ्लावर का फूल बनाएंगे। वो गोल आकार का होता है, उससे हमें एक आकृति सीखने को भी मिलेगी। एक आकृति जो गोल आकृति है वो सीखने को मिलेगी और उसमें हम लोग रंग भरेंगे। पहले वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें हमें गोला बनाना सिखाया गया। बेसिकली पाठ का नाम है विश एक और दो की गिनती हमें सीखनी है। इसमें देखो ये कितने चेहरे नजर आ रहे हैं, सभी बच्चे बोल के बताएंगे जोर से, ये कितने चेहरे नजर आ रहे हैं? दो चेहरे नजर आ रहे हैं, दो हमें चेहरे नजर आ रहे हैं। इन दो चेहरों को हम समझेंगे कि पहले वाला ये एक चेहरा है और ये दूसरा चेहरा है। इन दोनों में हम अपनी कॉपी में इन दोनों को बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, रंग भरेंगे। दोनों चेहरों को बनाएंगे और इन चेहरों में हम रंग भरेंगे और रंग आप लोग अपनी मर्जी से भर सकते हैं। और ये दोनों चेहरे आप अपनी कॉपी में बनाकर अपनी मर्जी का अलग अलग रंग भरेंगे ताकि आप लोगों को कलर भी अलग अलग करने में इंटरेस्ट हो। और आप लोग इसको इनके नीचे गिनती भी लिखेंगे, जैसे ये पहले वाला चेहरा है तो इसके नीचे लिखेंगे एक और ये दूसरे वाला चेहरा तो इसके नीचे लिखेंगे दो, 1 और 2, समझ गए? अब आते हैं तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक को ट्रेस करना है। किसको ट्रेस करना है? संख्या 1 को ट्रेस करेंगे, फिर उसमें अपनी कॉपी में बनाओ और उसमें रंग भरेंगे। संख्या नंबर 1 को ट्रेस करेंगे, उसे अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसमें रंग आप लोग भरेंगे। तो इसमें 1 संख्या, संख्या नंबर 1, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है ये 1 है, ये जो लंबा सा डंडा नजर आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 4 करके बिंदु है, इसको हम लोग ट्रेस करेंगे और इसमें हम लोग अपन क्या करेंगे, कलर करेंगे। एक रंग नंबर लिखेंगे 1, ऐसे सीधी डंडी 1 कैसे लिखते हैं, एक सीधी डंडी होती है छोटी सी, उसको हम 1 के नंबर से जानते हैं, एक संख्या नंबर 1 से जानते हैं। पहले 1, फिर दूसरी यहाँ पे 2 3, ऐसे करके सभी यहाँ पर 1 लिखेंगे। ट्रेस करना मतलब कि पेंसिल से बनाना, इनके ऊपर हम बनाएंगे 1 बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, 2 को ट्रेस करेंगे और फिर उसमें अपनी कॉपी में बनाओ। देखो यहाँ पर 2 की आकार की एक संख्या बनी हुई है बिंदु बिंदु करके,
जो बिंदु करके जो संख्या बनी हुई है उसको हम अपनी पेंसिल से कॉपी में ट्रेस करेंगे, मतलब कि उसे हम अपनी कॉपी में छापेंगे ऐसे के ऐसे, और दो बन जाएगा हमारी, ऐसे हमारे संख्या नंबर दो बन जाएगी। यहाँ पर पहली संख्या बनेगी संख्या एक और यहाँ पर संख्या नंबर दो। तो ऐसे करते हुए हमें ये कंप्लीट करना है ट्रेस करके, और हमें संख्या कंप्लीट करके हमारा पहली और दूसरी संख्या हमें बनानी आ जाएगी। तो इसके बाद संख्या दो तक बनाएंगे। काफी बच्चों को गिनतियां 10 तक भी आती होंगी, 50 तक भी आती होंगी, बहुत से होशियार बच्चे होंगे जिनको गिनतियां 100 तक भी आती हैं। तो आप लोग पहले, जिनको कम गिनती आती है, पहले संख्या एक और गिनती दो को सीखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, दो संख्या को सीखेंगे। और जिनको ज्यादा तक आती है वो ज्यादा तक भी लिख सकते हैं, 10 से 15 तक 20 तक लिख सकते हैं, जिनको जितनी गिनतियां आती है अपनी कॉपी में, मैथ की जो कॉपी बना रखी है उसमें लिखेंगे। फिर आ जाते हैं हम पांचवे नंबर प्रश्न में। पांचवे नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न को गिनो और खाली डिब्बे में लिखो। ये सभी बच्चे बोल के बताएंगे ये कितनी तितलियां नजर आ रही है। ये तितली एक है, एक तितली, एक को हम इंग्लिश में वन भी बोलते हैं। और वन कैसे लिखते हैं हम, वन को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वन को हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। वन जो हमारी संख्या होती है वो इस तरह लिखी जाती है, संख्या नंबर वन। तो यहाँ पर हमें कितनी तितलियां नजर आ रही हैं, हमें एक तितली नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमें डब्बे में क्या लिखना है, वन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम दूसरे वाले में। यहाँ पर हमें कितने फूल नजर आ रहे हैं, बोल के बताएंगे सभी बच्चे। यहाँ पर हमें दो फूल नजर आ रहे हैं, एक तो ऑरेंज कलर का है और एक येलो कलर का है, एक पीले रंग का और एक संतरी रंग का है। हमें दो फूल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखनी है, संख्या दो। यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे दो, संख्या संख्या नंबर दो लिखेंगे, ठीक है। टू लिखेंगे यहाँ पर, तो टू कैसे लिखते हैं, संख्या नंबर दो कैसे लिखते हैं, संख्या नंबर दो जो आप लोग यहाँ पर बनाना सीखोगे ये संख्या दो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो फूल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो, मतलब दो संख्या, संख्या नंबर दो बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में क्या है, वस्तुओं को गिनो। ये जो हमारे सामने ये फोटो दे रखे हैं, चित्र दे रखे हैं, पिक्चर हैं जो हमारे सामने, इन पिक्चरों को हम गिनेंगे। ये कितनी पेंसिल नजर आ रही है, सभी बच्चे जोर से बोल के बताएंगे। एक पेंसिल नजर आ रही है, पेंसिल एक नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख, ये देखो यहाँ पर देखो गिनती एक नंबर, ये क्या नंबर लिखा हुआ है, नंबर एक लिखा हुआ है। कितनी नंबर गिनती लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पेंसिल जो हमें नजर आ रही है इसको हमें एक सीधी लाइन खींचकर इस संख्या से मिलाएंगे, क्योंकि ये पेंसिल एक है और ये संख्या भी जो है एक है, हम इनको मिलाएंगे। फिर आ जाते हैं हम, ये बच्चे ये दो गुड़िया थी नजर आ रही है, डॉल नजर आ रही है, जो दो फोटो नजर आ रहे हैं, इन दो को हम इस संख्या नंबर दो से मिलाएंगे। ये कितनी गुड़िया नजर आ रही है, सभी बच्चे बोल के बताएंगे। एक गुड़िया तो, एक गुड़िया ने तो लाल रंग के कपड़े पहने हैं और एक गुड़िया ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं, इनको हम मिलाएंगे संख्या नंबर दो से। तो हमें इस तरह से मिलान करना आ जाएगा और हम संख्या को पहचान लेंगे कि ये संख्या नंबर क्या है, ठीक है। सभी बच्चे ये कार्य करेंगे अपनी गणित की कॉपी में, जो आप लोगों ने गणित की कॉपी बना रखी है। ये हमारा आठवें सप्ताह का कार्य है, इसमें हमने सीखा है गिनतियां, गिनतियों को हमने एक और गिनती नंबर दो को सीखा है। ये हमारा गणित का विषय है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये काम करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे गणित का काम ही अपनी कॉपी में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग मीटिंग लीव करो और मेरे पास फोटो खींच के वापस कंप्लीट करके भेजो। यस सर, यस सर। चलो बच्चे मीटिंग लीव करो, लाल बटन दबा के जल्दी से जल्दी।
आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? मैंने बोला मीटिंग को लीव कर दो बच्चों, मीटिंग काट दो लाल बटन दबा के।